सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल आईएमपी क्वेश्चन क्लासेस और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल आईएमपी क्वेश्चन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश के आईएमपी क्वेश्चन देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान व्यापम का पूरा निचोड़ सीरीज में है। इसमें सभी पुराने पेपर का जीके है मध्य प्रदेश का और संभावित प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे जो आने वाले पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामान्य विज्ञान विषय की सीरीज चल रही है जो व्यापम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप उसे भी देख सकते हैं। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहां से आप देख सकते हैं, जिसमें आपको एक दिन वीडियो सामान्य विज्ञान का और दूसरे दिन वीडियो एमपी जीके का मिलेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा धर्म बाघ की गुफाओं से संबंधित है? इस क्वेश्चन का आंसर है बौद्ध धर्म। दूसरा क्वेश्चन है, चमड़े के खिलौनों में जीआई टैग है इंदौर। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कांच मंदिर कहाँ स्थित है? इंदौर में स्थित है। चौथा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, रानी दुर्गावती राजकुमारी थी चंदेल की। पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बरवान का मेला कितने दिनों तक चलता है? 13 दिनों तक चलता है बरवान का मेला। छठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मध्य प्रदेश में मंडी बोर्ड में बोर्ड के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? इस क्वेश्चन का आंसर है 7। सातवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश कितने संभाग थे? मध्य प्रदेश में कितने संभाग थे 2011 की जनगणना के अनुसार? तो 10 संभाग थे। आठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वर्ष 2008 में भोपाल को बाधित करके निम्न में से कौन सा संभाग बनाया गया था? तो इससे अलग होकर नर्मदापुरम संभाग बनाया गया था। नौवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, शंकर दयाल शर्मा भोपाल के मुख्यमंत्री थे, किस सन में थे? 1992 से 1956 तक थे। दसवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मध्य प्रदेश की पहली बायोमैथेंसन परियोजना का उद्घाटन कहाँ पर हुआ था? कहाँ हुआ था? भोपाल में हुआ था। ग्यारहवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मालवा के प्रथम मराठा सूबेदार के नाम से किसे जाना जाता है? मल्लार राव होलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तेरहवें की तरफ, किस वर्ष में बैतूल का जिला मुख्यालय बैतूल बाजार से बदनूर में स्थानांतरित हुआ था? इस क्वेश्चन का आंसर है 1822 में। चौदहवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कुमार गंधर्व पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित हुआ? 1992 से 93 के बीच में हुआ था। पंद्रहवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किस वर्ष में मध्य प्रदेश ने मलखम्ब को राज्य खेल घोषित कर दिया गया था? मलखम्ब जो खेल है किस सन में घोषित हुआ था? तो 2013 में। सोलहवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद की घाटी का मुख्यालय भाग अब छत्तीसगढ़ में है, किस नदी का है? तो महानदी का है। अठारहवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्न में से कौन से लोक गायन से सिंगाजी कबीर मीरा इत्यादि जैसे संतों द्वारा रचे गए गाने गाए जाते हैं? तो यह है निर्गुणी। 18वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दामोदर घाटी परियोजना से कितने राज्यों को लाभ हुआ? झारखंड और पश्चिम बंगाल दो राज्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 19वें की तरफ, महाभारत में कौन सी नदी को चरमा न्यायवादी वती के नाम से उल्लेखित किया गया है? तो चंबल को चरमावती भी कहते हैं और चरमा न्यायवती भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 20, आदि शंकराचार्य की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो यह है ओमकारेश्वर में। 21वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, टीकमगढ़ में जीआई टैग होता है किस चीज़ का होता है? बैल धातु सामग्री का। 22 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उस्ताद अमीर खां कहाँ के निवासी हैं? तो ये थे इंदौर के निवासी थे। दोस्तों, हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा, आप लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मोटिवेशन क्वेट्स की तरफ चलते हैं। क्वेट्स की तरफ, पृथ्वी पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको समस्या नहीं हो ना हो, और कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो,
उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। दोस्तों, हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा, लाइक करके, कमेंट करके और सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।